जाम की समस्या से करा रहे मुजफ्फरपुर जिले के कई स्थानों पर प्रशासन का बुलडोजर चला। नतीजा इमली चट्टी सरकारी बस स्टैंड से लेकर कंपनी बाग सरायगंज टावर तक अतिक्रमणकारियों को हटाते हुए सड़कों को अतिक्रमण मुक्त किया गया। अभियान के प्रथम चरण में अनुमंडल अधिकारी पूर्वी कुंदन कुमार के नेतृत्व में इमली चट्टी सरकारी बस स्टैंड के अभियान की शुरुआत की गई। इमली चट्टी के गुजराती मोहल्ले के निवासियों द्वारा प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाने का विरोध किया और प्रशासन पर पक्षपात करने और गरीबों को उजाड़ने के साथ ही महिला के साथ दुर्व्यवहार करने के भी आरोप लगाए। उनका कहना था कि हम फुटपाथ पर कपड़े बेचकर दो वक्त की रोटी का जुगाड़ करते हैं और त्योहार के इस समय में उन्हें उजाड़ दिया गया। हम हमारे बच्चों को क्या खिलाएंगे? त्योहारों के दौरान उनके समक्ष भूखमरी की समस्या पैदा हो जाएगी। यह स्थिति कमिश्नर कार्यालय के मुख्य द्वार पर रहेड़ी ठेले पर लगे फलों और जूस के दुकानदारों की देखने को मिली। जब तक वे अपनी दुकानें हटाते तब तक प्रशासन का बुलडोजर प्रशासन के आदेश की तामीरा करते हुए उनकी दुकानें तहस नहस कर चुका था। तमाम विरोधों के बावजूद अनुमंडलाधिकारी पूर्वी कुंदन कुमार के नेतृत्व में पुलिस अधीक्षक नगर नीरज कुमार सिंह, पुलिस उपाधीक्षक नगर राम नरेश पासवान, क्यूआरटी प्रभारी सुनील कुमार राजक, क्यूआरटी टीम, पुलिस बल के साथ साथ नगर निगम के कर्मचारियों द्वारा सड़कों के किनारे सरकारी जमीन नाला व अन्य जगहों पर अतिक्रमण मुक्त किया गया। पोस्ट ऑफिस कार्यालय के समक्ष एसडीओ पूर्वी के पहुंचने पर स्थानीय लोगों व कुछ जनप्रतिनिधियों के आग्रह करने पर उन्होंने माइकिंग कर फुटपाथी दुकानदारों को पुनः कुछ घंटों की मोहलत दी जिससे वे अपनी अपनी दुकानें हटा ले। उन्होंने कहा कि प्रशासन द्वारा अतिक्रमण मुक्त कर शहर को जाम से छुटकारा दिलाने हेतु चलाया गया यह अभियान शहरवासियों के हित में है, अतः आप सभी प्रशासन के कार्य में सहयोग करें। प्रशासन अपना कार्य करेगा। जिलाधिकारी आलोक रंजन घोष द्वारा शहर को जाम से मुक्ति दिलाने हेतु अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावशाली अभियान चलाकर शहर की प्रमुख सड़कों को अतिक्रमण मुक्त बनाने की योजना कार्यान्वित की गई। जिला प्रशासन के इस अभियान में नगर निगम प्रशासन, जिला पुलिस बल और क्यूआरटी टीम ने संयुक्त रूप से अपनी सहभागिता निभाई। 18 अक्टूबर को दूसरे चरण में सरायगंज चौक से कल्याणी तक एवं तीसरे चरण में कल्याणी से मोती झील होते हुए इमली चट्टी तक अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा। इससे पूर्व 16 अक्टूबर को जिला प्रशासन द्वारा जिले के प्रमुख चौकों, चौराहों और सड़कों के किनारे माइकिंग के द्वारा लोगों को 24 घंटे के अंदर स्थायी या अस्थायी अतिक्रमण को स्वयं हटाने की चेतावनी दी जा चुकी थी। बावजूद अस्थायी फुटपाथी दुकानदारों, रेहड़ी पटरी वालों ने चेतावनी को अनसुना कर दिया था, जिसका परिणाम आज उन्हें भुगतना पड़ा। अक्सर ऐसा देखा गया है कि अतिक्रमण हटाने के साथ ही शाम ढलते या अगले एक दो दिनों में अतिक्रमणकारी पुनः सड़क पर कब्जा जमा लेते हैं और स्थिति फिर वही ढाक के तीन पात हो जाती है। इस प्रश्न पर अनुमंडलाधिकारी पूर्वी कुंदन कुमार ने बताया कि दोबारा अतिक्रमण ना हो इसके निगरानी हेतु एक कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी में मुशहरी अंचलाधिकारी, संबंधित इलाके के थानाध्यक्ष, परिवहन अधिकारी, नगर निगम के संबंधित वार्ड पार्षद व अतिक्रमण हटाओ दल के सिटी मैनेजर को जिम्मेवारी दी गई कि दोबारा अतिक्रमण होने पर अतिक्रमणकारियों की चिन्हित करते हुए उनके विधि सम्मत कार्यवाही करें। बच्चा को दिवाली में क्या दिलाएंगे? पकौड़ी भजा खिलाएंगे घर में बना के? बोली उनको हम लोग हटा देते हैं दुकान पर। अपने बच्चे लोग को क्या देंगे? बच्चे लोग को पढ़ा क्या देंगे? हम लोग दुकान है वो तो कमा के खाएगा और जिसका दुकान नहीं होगा कमाने का भी समय है और इसमें लागू कर दिए कि अतिक्रमण हटाओ। ये हम लोग क्या करेंगे? हम लोग गरीब व्यवसाय है, रोजगार दो पैसा कमा कर अपने बाल बच्चे का पेट पूरा कर रहे हैं। ये लोग सरकार सोच नहीं रही है।
लेके आपके साथ पूरा तोड़ के बराबर कर बारह महीने से हम लोग एक एक कपड़ा इकट्ठा कर कर जमा कर कर हम लोग बेचते है, दो रूपया जमा कर कर हम बाल बच्चे को पढ़ाई लिखाए और अच्छा एक नागरिक बनाए। और सरकार ऐसी नहीं सोच रही है। सुरेश शर्मा कहते कि बसो और एक तरफ से कहते हैं उजरो, गरीब को बताओ, अमीर को बताओ और गरीब को उजारो, इनका धंधा हो रहा है यहाँ पे। गरीब आदमी का पेट पालने के लिए गरीब फुटपाथ पर कमा रहा है, उसको मारने के लिए मोहताज कर रहे हैं। गरीब चोरी करे, चारी करे, उसका क्या कर्म कर रहा है, कराना चाह रहे हैं वो क्या कर्म कराना चाह रहे हैं? उसका बहू बेटी रोड पर बैठाने के लिए चाह रहे हैं, हर कर्म कराने के लिए चाह रहे हैं, इज्जत से कमाने नहीं चाहिए, इज्जत कराना चाह रहे हैं। गरीब आदमी का बेइज्जती करा दे, बढ़िया रहे। हम तो वोट वाले हैं, पार्टी वाले हैं, बहुत आजादी में रहेंगे। गरीब का बच्चा भले मर जाए, देखिए अतिक्रमण अभियान पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार से चल रहा है। इसके लिए हम लोगों ने अखबार के माध्यम से लोगों को सूचना दिया, माइकिंग कराई और सभी एक बृहद बैठक जिसमें कि सभी जनप्रतिनिधिगण, मान्यता प्राप्त सभी राजनीतिक दलों के अध्यक्ष और सोशल मीडिया के हमारे पत्रकारगण, प्रिंट मीडिया के पत्रकारगण, सभी लोग हम लोगों ने एक साथ निर्णय लिया था किस तरह का अभियान चलेगा। आज इसका आगाज हुआ है। आगे धीरे धीरे जब तक पूरे शहर को अतिक्रमण मुक्त नहीं करते हैं, यह आगाज अंजाम को अपना प्राप्त करेगा। देखिए रिटेंशन पॉलिसी हम लोगों ने बनाई है, जिसमें कि एक टीम है हम लोगों की, जिसमें संबंधित वार्ड सदस्य हैं, जनप्रतिनिधिगण हैं, इसके अतिरिक्त परिवहन विभाग के लोग, नगर निगम के कर्मी, पुलिस कर्मी, हमारे प्रशासन के लोग, सबकी एक टीम बनी है जो रिटेंशन करेगी कि हटाए गए अतिक्रमण को पुनः कोई अतिक्रमित न करे। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं जिया अभिनव प्रोडक्ट्स, प्लैटिनम अगरबत्ती, बाबा लहठी भंडार, इस्लामपुर रोड मुजफ्फरपुर, चंद्रान आईएएस एकेडमी, मेकिंग योर करियर शाइन, हल्दीराम भुजियावाला, चॉइस ऑफ इंडिया, लेडी प्राउड, जियो जिंदगी बेहिचक उन दिनों में टेंशन फ्री, नॉर्थ पॉइंट चिल्ड्रन स्कूल, वी वर्क हार्ड फॉर योर सक्सेस, रामा हार्डवेयर, जवाहरलाल रोड मुजफ्फरपुर, सेंट जेवियर्स स्कूल, नेशनल इन स्पिरिट इंटरनेशनल इन स्टैंडर्ड्स, वैशाली इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एंड रूरल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशनल एरिया नारायणपुर अनंत रोड मुजफ्फरपुर, VLCC गोला रोड मुजफ्फरपुर, हर घर की पसंद ग्रीन इंडिया, आपकी संतुष्टि मेरी पहचान, गोदरेज अप्लायंसेस सोच के बनाया है, बिरयानी दरबार, वर्मा कॉम्प्लेक्स मिठनपुरा मुजफ्फरपुर, प्लैटिनम चिल्ड्रन स्कूल, सेल्फ बिलीफ बेस्ट बिलीव, नेशनल मेडिकल कॉलेज वीरगंज नेपाल। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।